हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लाइफलाइन का ये आप लोगों का सेकंड वीडियो है जो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, और सेकंड टर्म में इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज़ रिलेटेड टू लाइफलाइन, एंड इवन आई ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ कॉल्ड लाइफलाइन। इन आवर बॉडी देयर आर ए नंबर ऑफ नर्व्स आर्टरीज एंड देयर इज ए सेंटर पॉइंट दैट इज नोन एज हार्ट विच पम्प्स द ब्लड एंड इट सर्कुलेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट आवर बॉडी कैन ग्रो इन ए बेटर वे। लाइक दैट फॉर एनी इकोनॉमी द ट्रांसपोर्टेशन communications is considered as arteries and vein which helps to develop the economy. The growth and development both depends on the roadways and railways along with communication. So in this chapter we will discuss about the roadways and railways. First of all, these are known as land transport. So India has one of the largest road network in the world, and it is about 2.3 million kilometer at present. So what is the importance of road transport? So road are important for transport of goods and passenger for short and medium distance. It is very cheap and easy to construct and maintain. Roads can be built and used in and even undulating terrains. Means वो सभी स्थान जो suitable नहीं है, plain नहीं है, upheavals हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर भी हम लोग रोड्स को आसानी से बना सकते हैं। दैट्स वाई इट इज टोल्ड दैट रोड्स कैन बी बिल्ट एंड यूज इन एंड इवन एंड अनडाइल्यूटिंग टेरियंस। नेक्स्ट, रोड प्रोवाइड्स क्विक ट्रांसपोर्ट फॉर पेरिसेबल गुड्स और कॉमोडिटीज। सो हेयर द वर्ड इज पेरिसेबल, उसका सिंपल मीनिंग आपको समझना है वे सभी गुड्स जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, सच एज मिल्क, eggs, vegetables and so on. So road provides quick transport for perishable commodities. Next, it provides door-to-door service. It does cutting down the cost and inconvenience of loading and unloading. Even though it provides door-to-door services, however, if we compare the cost of transportation, we find very less and it is convenient also. Next, road connects to other modes of transport such as railways, airways and seaport. It also provides a link between the railway station, air and sea ports. So these are the basic advantage of roads. So one question may be asked, why road is so important? The answer will be the same point. How we can say the road is very advantageous for the growth and economy? Then the answer will be the same. Now, how many kinds of road? Okay, so according to our book, there are 6 different types of roads. It is categorized on the basis of capacity. First type of road is known as expressway national highways. So these have been planned to meet the requirement of fast movement of traffic in the country and to reduce the time
एंड डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को पता है कि नेशनल हाईवे जो होता है वह विभिन्न स्टेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तो इस जोड़ने के क्रम में इस रोडवेज को इसलिए बनाया जाता है ताकि फास्ट मूवमेंट हो सके, ट्रैफिक जितने भी पैसेंजर्स हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सॉरी डिफरेंट स्टेट्स में इजली मूव कर सके। सो इट इज़ डन बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसलिए इसको हम लोग NHAI के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा जितने भी NH है, नेशनल हाईवेज है, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवेज, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, उसको मेंटेन करता है। सो इट्स मोस्ट एम्बिशियस वेंचर इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। सो अपने देश में चार महानगरों को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे हाईवे बनाया गया, जिसकी सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखी थी व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने सबसे पहले इन चार प्रमुख मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई को एक साथ जोड़ने का सपना देखा था, जो आज बनकर तैयार है, जिसको कि हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ से साउथ अर्थात कन्याकुमारी, नॉर्थ अगर हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो कन्याकुमारी, वहाँ उसको जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। अगर इस तरफ से देखें ईस्ट टू वेस्ट तो हम पाते हैं कि आसाम जो सिलचर से स्टार्ट होता है और वेस्ट में गुजरात के तक जाती है, तो ये भी हमारा एक कॉरिडोर है जिसको बनाया गया है किसके द्वारा, NHAI के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो है उसको सिंपल नेशनल हाईवेज बोलते हैं, वो एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवेज था, तो ये है नेशनल हाईवेज। सो दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब देखिए इसको बनाने वाला जो है वो दूसरी संस्था है, जिसको हम CPWD के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सो दीज रोड्स कनेक्ट्स वन स्टेट विथ अनदर एंड ऑल्सो लिंक रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। थर्ड जो हमारा होता है उसको हम लोग स्टेट हाईवेज के नाम से जानते हैं, एंड दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सो दीज आर रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट टाउन्स। नेक्स्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट रोड्स। सो दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, इट कनेक्ट्स वन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विथ अदर प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट इज द विलेज रोड। सो दीज रोड्स कम अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसको कि हम लोग विभिन्न प्रकार के योजनाओं के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें एक नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसका मुख्य काम होता है विलेज रोड को मेंटेन करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना। सो दिस कनेक्ट्स विलेज विथ नेबरिंग टाउन्स एंड सिटीज, एंड द सिक्स्थ नॉट द एंड ऑफ द रोड्स बट अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इन आवर बुक दैट इज द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन। सो दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन द ईयर 1960। दीज रोड लिंक अलॉन्ग द फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री, फ्रंटियर मीन्स सीमा सुरक्षा। सो दीज रोड्स हैज स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज, बिकॉज इट दीज रोड्स हेल्प्स द आर्मीज, दीज रोड्स
helps the people who are living on the borders areas, because it helps to protect our country from any kinds of attack or enemies. Now, कुछ important facts हैं जिसको कि हम लोगों को जानना चाहिए. ओके, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है हमारा? तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये हमारा कहता है कि रोड्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं. तो मैंने कैपेसिटी के आधार पर आपको तो बता दिया कि रोड्स जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन रोड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक को हम लोग बोलते हैं मेटल रोड और इसको हम लोग हिंदी में पक्की सड़क भी कहते हैं. सो दीज आर दोज रोड्स विच आर मेड अप ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट और इवन बिट्यूमिन ऑफ कोल्स. सो बिट्यूमिनस इज ए टाइप ऑफ कोल एंड इट इज ऑल्सो हेल्प टू construct the roads. So these roads are also called all weather roads, because even in the rainy season it can be used in a better way. Okay, so next is the unmetalled road. So these are kaccha roads and cannot be used during rainy season. Clear? तो एक हो गया मेटल्ड रोड और दूसरा हो गया अनमेटल्ड रोड. एक पक्की सड़क, दूसरी कच्ची सड़क. अनमेटल्ड रोड्स आर बेसिकली फाउंड इन द रूरल एरियाज और विलेज एरियाज. ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू हैंडल दिस रोड्स इज वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट आपको जानना चाहिए कि रोड डेंसिटी किसे कहते हैं. सो रोड डेंसिटी द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर of area is called road density. Is it clear? Now come to the BOT. BOT ka matlab hota hai build, operate and transfer. In our country, our government is unable to invest huge amount of money in the construction of road. That's why the government decided to give this project in the hand of privates. Sometimes the government also gives these opportunities to the foreign countries. So these foreign countries or the private sectors invest their capital huge amount and they operate for a long period of time in the form of taxes, and after gaining the profits and their gaining their capital which was invested during the construction of road, when they get back, it is transferred to the government, and that's why it is known as BOT. Means you will build, you will operate for a certain period of time, and after that you will transfer to the government. So here the government has involved private sector companies to invest, develop and maintain certain highways or parts of certain highways. They realize their cost and profits over an agreed period, and then the road are transferred to the government, as I told. Is it clear? So now come to the next point, that is the which kind of road in our country is constructed by the under the guidance of BOT. So the recent example is the Yamuna Express Highway, which is between the Delhi to Agra. It is constructed through the government, through the private sectors, with the help of the government. Now come to the next part, that is the railways. The railways are the major means of overland transport in India. It carries passengers and freight in large volumes.
The Indian Railways is the Asia's largest and world's fourth largest system under a single management. The first train ran from Mumbai to Thane in 1853. It covered a distance of only 34 kilometers. So, original originally it was constructed by the British to serve the colonial interest of exporting raw materials and importing manufactured goods from Britain. तो अभी आपने एक बड़े पैमाने पर आपने क्या देखा, आप ये पा रहे थे कि रेलवे जो है अपने देश का एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो लार्ज स्केल में पैसेंजर और लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इंडिया जो है, इंडियन रेलवे जो है, एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है. लेकिन अगर वर्ल्ड से इसको कंपेयर करते हैं तो इसका पोजीशन फोर्थ होता है. लेकिन ये पूरा का पूरा एक सिंगल मैनेजमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है, जिसको हम लोग रेलवे बोर्ड के नाम से जानते हैं. अपने देश में सर्वप्रथम 1853 में रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें मुंबई से लेकर थाने तक रेलवे को चलाया गया था, जिसका डिस्टेंस जो था केवल 34 किलोमीटर था. यह जो रेलवेज का जो डेवलपमेंट किया गया था वह ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था, न कि जिनका मेन एम था कि हम कैसे इंडिया से रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल्स को देश के डिफरेंट कॉर्नर से कलेक्ट करके सी पोर्ट तक पहुंचाए और उसको ग्रेट ब्रिटेन भेजा जाए, और फिर उसी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया के मार्केट में उसे आसानी से बेचा जा सके. तो उनका मेन एम जो था ब्रिटिश का, वो मेन एम ये था कि हर हाल में रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, ना कि कंट्री का डेवलपमेंट किया जाए. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द गेज ऑफ द ट्रैक. सो इन आवर कंट्री देर आर थ्री मेन गेजेस. वन इज नोन एज ब्रॉड गेज, जिसकी जो लंबाई होती है 1.676 मीटर. दूसरा होता है मीटर गेज, जिसकी चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है. और तीसरा जो होता है नैरो गेज, जिसकी चौड़ाई होती है 0.762 मीटर एंड 0.610 मीटर. ये जो नैरो गेज होता है वह मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अपहेबल्स होते हैं, स्मॉल प्लेट्यूज एरिया होता है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है, जंगल होते हैं. मीटर गेज जो होता है जनरली पठारी एरियाज में चलाया जाता है, प्लेट्यूज एरिया में चलाया जाता है. और ब्रॉड गेज जो होता है वह प्लेन एरियाज में होता है. यहाँ पर गेज कहने का मतलब हो गया दो पटरियों की चौड़ाई. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो ये गेज से ही रिलेटेड है और साथ ही साथ रेलवेज को कैसे डेवलपमेंट में मदद करता है. बट नाउ एडेज यूनी गेज सिस्टम हैज़ डेवलप्ड इन इंडिया. अब ये तीनों गेज को हटाकर एक ही गेज में पूरे रेलवेज को रन कराने, चलाने का, रेलवेज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा गया है, और इसलिए इसको हम लोग यूनिगेज के नाम से जानते हैं. यूनि मीन्स सिंगल. सो बट नाउ इट इज यूनिगेज सिस्टम हैज़ डेवलप्ड इन इंडिया. द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेल नेटवर्क इज डिफरेंट इन आवर कंट्री ड्यू टू फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. तो तीन ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसके कारण डिफरेंट नेटवर्क्स हमारे कंट्री में पाए जाते हैं. फर्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ
railways. Is it clear? Next is the hilly area is not suitable because of the sparse population, dense forest, uneven and rocky terrain, and lack of economic activities. Since independence, Indian railways has increased and fold. Means after independence, our railways has developed with a rapid speed in multiple times. This has been possible due to modernization and improvement in the design of coaches, tracks and signals. Change to traction from steam to diesel and diesel to electric engine. So concentration on train load traffic and improvement in maintenance and operating practice has increased. So we can say today the railway have become more important in our national economy than all other means of transport. तो ये था हमारा रेलवे की हिस्ट्री. लेकिन रेलवे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो अब हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे. और हमारा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ रेलवेज. सो फर्स्ट प्रॉब्लम, मेनी पैसेंजर ट्रेवल्स विदाउट टिकट्स, दैट्स व्हाई द रेलवे ऑलवेज सफर फ्रॉम लॉसेस. सेकंड, थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली. So in our country, the literacy rate is very low. That's why some of the people always try to damage railway, the property of railways. Next, people stop train by pulling chains. Due to that, unnecessary, the railway face the problem of delay. कोई भी train समय से नहीं पहुंचती है क्योंकि लोग chain pullings करते हैं unnecessarily and causing heavy damage, and due to that the railway face lots of problems. Now what are the problems in front of roadways? ऐसा नहीं है कि सिर्फ railways के सामने ही problem है, ये problems roadways के सामने भी है. तो roadways का problems जो है वो railways के problems से something अलग है. So first, road network is inadequate in our country and the distribution of roads is not uniform. Second, half of the roads of our country is unmetalled. That's why during the rainy season it can't be used in a proper way. Next is the national highways. Two are inadequate in our country. Next, they are congested in cities. Dave bridges and culverts are very narrow. Roadside amenities, facilities are poor. Even emergency health services are not available. That's why we face lots of problem in roadways. Except railways and roadways, another source we have by which we can also transport the liquid materials or semi-liquid materials, that is known as pipelines. So pipelines are the most recent modes of transport. They are used for transporting crude oil, petroleum products and natural gas. Even solid can be also transported after converting it into slurry. Slurry means in the form of paste. For example, iron ore is transported to Mangalore port in the form of slurry. Now, what are the advantages of a pipeline? Okay, so running cost of pipelines and is very minimal, means very low. Is it clear? Next, they are ideally situated to transport the liquids and gases. It rules out transshipment losses or delay because it passes through a particular pipe. It involves low energy consumption and is eco-friendly. It can be laid
anywhere and on any surface. Is it clear? लेकिन इसके कुछ disadvantage भी है pipelines का. It is not possible to increase its capacity once it is laid. एक बार बना दिया गया तो फिर हम इसके capacity को बढ़ा नहीं सकते हैं. Next is the underground pipelines cannot be easily repaired and detected during the leakage. अगर इसमें किसी प्रकार का लीकेज आ गया है तो हम उसको आसानी से शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ पाइपलाइंस. नाउ कम टू द नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री. सो देयर आर थ्री इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट फ्रॉम वाइल्ड फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर बाया गुवाहाटी. ओके सो दिस गुवाहाटी इज सुटेबल फॉर व्हाट. इट इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड क्रूड ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड it is used through the pipeline for refineries because without the refine it can't be used. Okay, so first it is so important that Guwahati, Barauni and Allahabad, it has branches from Barauni to Haldia via Rajbhand. Next is the from सालिया इन गुजरात टू जालंधर भाया मथुरा दिल्ली एंड सोनीपत. नेक्स्ट द गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश भाया जयपुर इन मध्य प्रदेश. सो दीज आर द बेसिक पाइपलाइंस विच हेल्प्स टू कैरी द गैसेस एंड लिक्विड्स. Okay, thank you everyone. Now the remaining part I will discuss in the next video. Thank you.